और आज जो हुआ है, आज हम लोग मिराकल कर दिया। दिस इज लैंगचा एंड दिस इज पूरी एंड सब्जी। ये मेरा एक्शन कैमरा का जो माउंट है, ये देखो ये टूट गया है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25th of December, सो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जा रहे हैं बर्धमान, वहाँ पे हम लोग घूमेंगे बर्धमान के राजबाड़ी और एक्चुअल जो शिव टेम्पल है वहाँ पे भी जाएंगे, मतलब शिवा टेम्पल। सो आज हम लोगों के साथ कौन कौन है, मतलब मेरे साथ कौन कौन है, चलिए दिखाते हैं। दिस इज केडी, अभी वो अभी मुंह दिखा दिया। दिस इज केडी एंड इसको तो पहचानते ही हो। और अभी टाइम हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 6:57। सो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते, अभी हम लोग चलते हैं और अभी राइड स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप लेने का इरादा है हम लोगों का शक्तिगढ़ जाके, वहाँ पे ही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आप ये रोड का व्यू एंजॉय करो। अभी हम लोग बर्धमान से ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर पीछे है, तो अभी हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए थोड़ा रुके थे क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। तो मतलब रॉनी मेरा फ़ोटो खींच रहा था और मेरा जो हेलमेट, उसमें एक्शन कैमरा माउंट हुआ था और वहाँ पे उसका जो डोमिनर था केडी का, उसका डोमिनर में लगा हुआ था लेकिन गिर गया, और उसके वजह से मेरा एक्शन कैमरा का जो माउंट है, ये देखो ये टूट गया है यहाँ से। मतलब जो मोटो ब्लॉगिंग का जो सेटअप है वो तो टूट गया, और मेरे पास एक्स्ट्रा जो जे माउंट है वो नहीं है, लेकिन ये जो रॉनी है, देखो देखो इनको, ये बंदा जो है ये मेरा एक्शन कैमरा का माउंट तोड़ दिया है, अब ये हमें ढूंढ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। चलो फिर हम लोग बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे फोटोज खींचे मेरे DSLR से, तो वो सब फोटोज आप लोग देख पाओगे। मेरा इंस्टाग्राम जो है, और मेरा इंस्टाग्राम ID है नील द राइडर। सो अगर फोटोस अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना। और चलो फिर से यहाँ से, और तो लगभग 35-40 किलोमीटर से, तो वहाँ पे जाके फिर से आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे शक्तिगढ़ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, और वहाँ पे हम लोगों का जो गाड़ी वहाँ पे पार्क हुआ हुआ है, और अभी यहाँ पे हम लोग पूरी समोसा ये सब खाएंगे। तो चलो जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ मिलता है। और जो एक बात है, यहाँ का जो फेमस है वो यहाँ का है लैंगचा। चलो जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और हम लोग के ब्रेकफास्ट में आज है पूड़ी और सब्जी और उसके साथ लैंगचा, जो मैं आपको बोल रहा था लैंगचा, तो वो कैसे है वो देखिए। सो दिस इज लैंगचा एंड दिस इज पूड़ी एंड सब्जी। सो अभी हम लोग खाएंगे यहाँ पे और इसके बाद हम लोग जाएंगे, लेकिन उतना मुझको मालूम नहीं है कि आगे क्या पड़ता है, तो आगे जो आएगा तो हम लोग पहले राजबाड़ी जाएंगे या फिर एक्सपर्ट मंदिर जाएंगे, जो आगे आएगा वो जाएंगे, उसके बाद हम सेकेंड लोकेशन में जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे जाके, यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा है तो यहाँ पे और ज़्यादा ब्लॉग नहीं करते, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
समय के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं एक्सवर्ड शिव टेम्पल में। सो चलो अंदर जाते हैं और जाते जाते बात करते हैं। तो रास्ते में आज हम लोग बहुत हॉल्ट लेते हुए आए थे। सो चलो हम लोग अभी जाते हैं। और ये जो लोकेशन है, ये पूरा जो आप ये टेम्पल देख रहे हो, ऐसा टोटल 108 है। इसको एक्सवर्ड शिव मंदिर बोलते हैं। तो चलो हम लोग जाते हैं मंदिर में और एक एक प्लेस डिस्कवर करते हैं। इसके थोड़े देर बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। आप लोग अभी ये जो यहाँ का लोकेशन है वो लोकेशन देखो। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे और अभी हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए यहाँ पे जो बर्धमान के जो राजबाड़ी है। तो ये है बर्धमान के राजबाड़ी, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे जो फिर से एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि ये जो राजबाड़ी है ये ऑलमोस्ट बंद हो गया है। यहाँ पर जो बर्धमान यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर हो गया है। तो अभी हम लोग जितना प्लेस है यहाँ पर डिस्कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे यहाँ पर क्या कुछ है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे लंच करके फिर बैक टू होम। सो चलो, जितना यहाँ पे लोकेशन अभी कुछ है, मतलब ज़्यादातर तो यहाँ पे कॉलेज ही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब ही है। सो जितना कुछ हो सके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग ये यहाँ का जो लोकेशन है वो एंजॉय करो। राजबाड़ी घूमने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। तो ये रेस्टोरेंट का नाम है कोई सीटू करके। वो राजबाड़ी का जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी अंकल थे वो हमको यहाँ पे रिकमेंड किया कि अभी हम लोग यहाँ पे खाने आए। और यहाँ पे हम लोगों का बाइक पार्किंग हो चुका है। और देखो मुझको यहाँ पे कौन मिला, मैरी क्रिसमस।
खाना खा लेते हैं क्योंकि अभी बहुत भूख लगा है और अंदर अभी थोड़ा वेटिंग चल रहा है। तो ये वाला रेस्टोरेंट है कोई C2 करके, तो चलो अभी वेट करते हैं और जब हम खाने जाएंगे तो तभी आप लोगों से थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइस, सो अभी हम लोगों का जो लंच है वो ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग यहाँ पे तंदूरी चिकन ऑर्डर किया है, उसके साथ नान ऑर्डर किया है और उसके साथ चिकन का एक आइटम है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गाना चल रहा है। चलो अभी ये खाना का हम लोग मज़ा लेते हैं। गाइज, अभी हम लोगों का लंच ऑलरेडी हो गया है और अभी टाइम 2:30 हो रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे शक्तिगढ़ में, वहाँ पे थोड़ा लैंगचा मिहिदाना ये सब खरीदेंगे घर के लिए। और खाना कैसा था थोड़ा रॉनी से और जेडी से भी पूछेंगे। अच्छा भाई, खाना कैसा था? खाना ओवररेटेड था भाई, दाम बहुत ज़्यादा था। क्वालिटी बहुत, मतलब प्राइस थोड़ा ज़्यादा था उस हिसाब से, बर्धमान के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उतना क्वालिटी ज़्यादा अच्छा एकदम नहीं था। क्वालिटी एकदम मतलब घटिया था। और यहाँ पे मेरे को सांता क्लॉज से एक गिफ्ट मिलने वाला है, तो सांता क्लॉज अभी कहाँ पे है मुझको मालूम नहीं, वो अभी मुझको ट्रॉफी दे रहा था। हाँ, तो अभी सांता क्लॉज को ले लेते। सांता मेरा गिफ्ट, वाई इज माई गिफ्ट, गिफ्ट गिर गया। देखो सांता से मेरे को गिफ्ट मिल गया। चलो मेरा तो मेरी क्रिसमस हो गया। चलो फिर यहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शक्तिगढ़ जाके वहाँ पे आप लोगों से बात होते हैं फिर। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली हम लोग अभी शक्तिगढ़ पहुँच गए और हम लोग अभी है लैंगचा बाजार पे। तो यहाँ से हम लोग ऑलरेडी लैंगचा खा लिए और हम लोग सभी तीनों अपने अपने घर के लिए थोड़ा बहुत स्वीट्स ले लिया और अभी वो लोग गियर अप हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट डानकुनी टोल प्लाजा में रुकेंगे और फ्रेंड्स पलक झपकते ही हम लोग यहाँ पे डानकुनी टोल प्लाजा आ पहुँचे। और आज जो हुआ है, आज हम लोग मिराकल कर दिया। 61 में हम लोग 71 कर चुके और वो भी मैं किया हूँ अपने बेबी एलिफेंट के साथ। तो ये क्रिसमस के दिन मेरे साथ मिराकल छोड़ के और कुछ नहीं हुआ है यार। नॉर्मली मैं हाईवे में 60-65 में बूस्ट करता हूँ, लेकिन आज ये दोनों मुझको छोड़ के चला आया था, इसलिए मुझको 75-80 मतलब मैं 80 नहीं गया था लेकिन 79 तक, मतलब मेरा लगभग जो एवरेज स्पीड था वो 75 था। तो ये करते करते हम लोग 71 में कवर कर लिए। ये मतलब मतलब आज तक मिराकल जैसा ही हो गया। सो आज ऑलमोस्ट हम लोगों का अभी टाइम हो रहा है 5:30 और जैसे कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, तो अभी घर जाने का टाइम हो गया है। तो चलो एक बार इन दोनों से एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। सो केडी भैया, कैसा लगा मेरे साथ राइड करते हुए? एकदम फर्स्ट क्लास। और रॉनी, तू बोल। खूब भालो लगा। रॉनी बोल रहा है खूब भालो लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। शक्तिगढ़ का लैंगचा खाया, हाँ सांता क्लॉज के साथ फोटो खींचा, बहुत कुछ किया। तो आज का राइड यहीं पे ही खत्म है और इसके बाद हम लोग घर जाते हुए और मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैं हूँ नील द राइडर के नाम से। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो आज के लिए इतना ही, डू सब्सक्राइब माई चैनल। So goodbye and see you soon.